हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगतंत्र सेकंड प्रोफ का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट एट लेके आए हैं, जिसमें हम विषवर्धक भाव और विष संकट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विषवर्धक भाव, इसको विष वृद्धि के कारण भी बोलते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने विषाक्तता में वृद्धि के कारण पर संक्षेप पर डालते हुए कहा है। ये किसने बताया? आचार्य वाग्भट जी ने बताया कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं पॉइजन के, जिसकी वजह से उनकी वृद्धि होती है। तो क्या 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 आप देखते हैं? सबसे पहले क्षुधा, यदि हमने विष खा रखा है तो अगर हमें भूखे रहेंगे तो विष का प्रभाव और बढ़ जाएगा। दूसरा आता है तृष्णा यानी प्यास। तीसरा गर्म। ये सभी फैक्टर जो है विष को बढ़ाने में मदद करते हैं, इनका विष का जो प्रभाव है वो बढ़ाने में मदद करते हैं। फोर्थ आता है दुर्बलता यानी वीकनेस। फिफ्थ आता है क्रोध यानी एंगर। सिक्स्थ शोक यानी डिप्रेशन। सेवन्थ भय या फियर। फिर आता है श्रम, थकावट, फेटिगनेस, अजीर्ण, इनडाइजेशन, अतिसार यानी डायरिया। फिर पित्त की वायु, वायु की वृद्धि यानी पित्त और वायु की वृद्धि होगी तब भी पॉइजन का फैक्टर है बढ़ जाएगा। तिल पुष्प या फल मदन फल को सूंघने से, पृथ्वी से निकलने वाली बाष्प से यानी भाप से, बादलों के गरजने से, हाथी चूहे और वाघ यंत्रों के शब्द से, विष संकट की अवस्था से, विष संकट होती है इमरजेंसी ऑफ पॉइजिंग पॉइजन, पूर्व दिशा की वायु से, कमल को सूंघने से तथा कामोद्दीपक वस्तुओं के संयोग से, इन उपयोग कारणों से विष की वृद्धि होती है। अगला टॉपिक है हमारा विष संकट, इसको कहते हैं इमरजेंसी इन पॉइजनिंग। जब विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले सभी अथवा अधिकांश कारक एक साथ मिल जाते हैं, जो भी विष को बढ़ाने वाला है या फिर जो भी विष की को इंक्रीज कर रहा है वो सब भाव एक साथ मिल जाते हैं, तो विष संकट की अवस्था उत्पन्न होती है। इस पे वृद्ध वाग्भट आचार्य जी क्या कहते हैं? विष प्रकृति कालन दो दुष्चिगमने विष संकट मुद्दिष्टम सत्सय कोत्र जीवती। यानी विष प्रकृति, विष की प्रकृति क्या है? पित्त प्रकृति है। विष का विष काल, विष काल क्या है? वर्षा काल और ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल अन्न, अन्न क्या है? कटु और तिक्त, जैसे तिल, कुल्थी, सरसों आदि। और दोष पित्त, दूष्य रक्त आदि, भूख प्यास इत्यादि। इन सब विष के एक साथ मिल जाने पर, ये सारे फैक्टर्स के एक साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न होती है। इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाने पर 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित होता है। मतलब यदि ये सारी अवस्थाएं एक साथ मिल जाती हैं तो इन सब की वजह से क्या होती है? डेथ हो जाती है। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।